Good morning class, this is our last video lecture of chapter electricity, and in this video lecture we will cover some numericals of this chapter. So start the today's topic. थोड़ा सा टॉपिक आपका इसमें रह गया था इलेक्ट्रिकल पावर. पावर होता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है तो द रेट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होने का रेट है यानी इलेक्ट्रिसिटी अपॉन टाइम. तो इस तरीके से हम पावर निकाल सकते हैं. नॉर्मल पावर का जो फॉर्मूला होता है यानी पावर जो होता है वो P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, बट वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड. तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन. अब बात करते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड की. एनर्जी सिर्फ उतनी ही कंज्यूम होगी जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतनी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी. मीन्स कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है वही हमारी कंज्यूम्ड एनर्जी होती है. तो यानी कंज्यूम्ड एनर्जी को हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है हमारी, एच इज इक्वल टू वी आई टी. ओके, अब यहाँ से हम ले सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी आई टी, यानी हीट प्रोड्यूस पावर इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टाइम, यानी एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन. तो हम यहाँ से फॉर्मूले सारे निकाल सकते हैं कि पावर के कितने फॉर्मूले बनते हैं. टी एल टी कैंसिल, यानी पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई. अब यहाँ से हम इसके पावर के दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास जो फॉर्मूले सामने जो फॉर्मूला बन के आया वो बन के आया पी इज इक्वल टू वी आई. पी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी की वैल्यू एक बार पुट कर सकते हैं एंड एक बार आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं. वी की वैल्यू क्या होती है, वी इज इक्वल टू आई आर. तो यहाँ पे जब हम वी की जगह पे आई आर पुट करेंगे तो पी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई. तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. एंड एक फार्मूला हम और बना सकते हैं, यहाँ पे हम वी की वैल्यू रख सकते हैं. यानी हमने अब जब वी की वैल्यू पुट की तो हमारा फार्मूला आया पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर. अब हम आई की वैल्यू यहीं पे पुट करते हैं, यानी हमारे पास फॉर्मूला था पी इक्वल टू वी आई वी या वी आई. तो अभी हमने वी की वैल्यू रख चुके थे, अब आई की वैल्यू रखते हैं. आई की वैल्यू जो होती है हमारे पास होती है वी इक्वल टू आई आर. जो हमें आई की वैल्यू निकलेगी वी अपॉन आर. तो हम यहाँ पे रखते हैं V अपॉन इंटू वी. तो थर्ड फार्मूला जो हमारा पावर का निकलेगा V स्क्वायर अपॉन R. तो ये हमारा थर्ड फार्मूला. तो ये तीनों फार्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे, आप इनको समझ लें और राइट करें कॉपी पे. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर की SI यूनिट होती है वॉट होती है. अगर आप कंपेयर करते हैं वन वॉट में कितने जूल्स होते हैं तो वन वाट में 1000 जूल्स होते हैं एंड वन किलो वाट में 1 kW इज इक्वल टू 1000 watt. एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वाट. जो हमारी कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलो वाट होती है. अगर हम 1 kW में निकालते हैं कितने जूल्स होते हैं तो 1 kW आर में, क्योंकि 1 kW आर हमारी एक यूनिट होती है. तो एक एक्चुअल में जो
इलेक्ट्रिसिटी काउंट होती है जो बिल के लिए, जो बिजली का बिल बनता है उसके लिए यूनिट में, यानी कॉमर्शियल यूनिट हमारी जो होती है वो 1 किलोवाट आर होती है। तो 1 किलोवाट आर में देखते हैं कितने जूल्स होते हैं। 1 किलोवाट आर में अगर कैलकुलेट करते हैं वैल्यू रखकर, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल्स, इतने जूल्स होते हैं 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आर में। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बेस्ड हैं आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, तो उनको हम एक बार देखते हैं। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, आप एक समझिएगा सही से। इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 एंड 4 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर आप फिगर भी देखें तो फिगर में आपको दिखाया जा रहा है 2 एंड 4 ओम सीरीज में कनेक्ट है, तो थ्रू अ बैटरी, बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, यानी बैटरी अगर आप देखें तो बैटरी आपकी इसमें 6 वोल्ट कनेक्ट है। एंड द हीट डिसिपेटेड बाई द 4 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में हमें इसमें कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें निकालना है। यानी एच इज इक्वल टू, पहले न्यूमेरिकल लगाने का जो प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, अच्छे से आपके समझ में भी आएगा। सबसे पहले जो भी गिवन होता है उसे नोट करें, क्या फाइंड करना है वो नोट करें। तो सबसे पहले आपका गिवन है पोटेंशियल डिफरेंट कितना है, 6 वोल्ट, दोनों का रेजिस्टेंस कितना है, एंड यहाँ पे टाइम नहीं दिया, टाइम एक्चुअली है 5 सेकेंड। तो अभी आप देखें, और फाइंड क्या करना है हमें, हीट प्रोड्यूस फाइंड करनी है। और हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है I² R T। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे सीधे वैल्यू रख दें, बट वैल्यू रखने के लिए हमें I की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड R की वैल्यू पता होनी चाहिए और T की। तो T तो हमें पता है, बट टोटल R हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम सीरीज का फार्मूला हमको पता है, और I निकाल सकते हैं। ये तीनों की वैल्यू निकाल लें अलग 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 अलग, एंड देन हम इस पर पुट कर दें। अगर हम पुट करेंगे तो हमारी हीट प्रोड्यूस जो भी होगी वो फाइंड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे, करंट सबसे पहले इसमें फाइंड करते हैं। करंट, करंट फाइंड करने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस हमारा किसमें कनेक्ट है, सीरीज में 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 4 ओम। फॉर्मूला क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 + R2। तो R1 + R2 अगर फाइंड करेंगे तो R1 + R2 2 + 4 इज इक्वल टू 6। देन अब हम यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं ओम्स लॉ से। अगर देखें तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, हमको V भी पता है और R भी पता है, तो हम I यहाँ से निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू होता है V/R, V हमारा 6 है एंड R हमारा है 6, तो यहाँ पे हमारा करंट आ जाएगा 1 एम्पियर, मीन्स I भी हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम दिया हुआ 5 सेकंड का, तो अभी हम वी नीड टू फाइंड हीट डिसिपेटेड बाई 4 ओम। अब ये ध्यान देना है कि हमें 4 ओम में कैलकुलेट करना है कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, सिर्फ 4 ओम में, बाकी मुझे कुछ भी इसमें काउंट नहीं करना है। सीधे सीधे हम वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला होता है हीट डिसिपेटेड या प्रोड्यूस बाई I² RT। अब I² RT में अगर हम सीधे सीधे फार्मूला रखते हैं, आई हमारी आई थी 1 1 का स्क्वायर × R, आर जो था हमारा 4 ओम दिया हुआ है क्योंकि रेजिस्टेंस 4 ओम के बीच में ही हमें हीट प्रोड्यूस निकालनी है, एंड टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 4 5 20 जूल हीट इज प्रोड्यूस इन जूल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 जूल। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया, बाकी न्यूमेरिकल भी हम आपको लगवाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बाकी आपको हम होमवर्क भी देंगे इसमें, तब तक के लिए आप इसे एक बार समझें, प्रैक्टिस करें, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाएं क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी सेक्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।